और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अमेरिकी दौरे में बड़ा करार हुआ है। इस करार के बाद भारत दुनिया के किसी भी अमेरिकी एयरबेस का इस्तेमाल कर सकेगा। इसके साथ ही भारतीय मिलिट्री एयरबेस पर अमेरिकी विमान भी उतर सकेंगे। भारत और अमेरिका ने एक ऐसे महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया जो दोनों देशों को रक्षा क्षेत्र में साजो सामान संबंधी निकट साझेदार बनाएगा। दोनों सेना मरम्मत एवं आपूर्ति के संदर्भ में एक दूसरे की संपदाओं और अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने कहा कि ये समझौता व्यवहारिक संपर्क और आदान प्रदान के लिए अवसर प्रदान करेगा। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के आक्रामक तेवरों के बाद अब भारत ने भी उसे इंटरनेशनल लेवल पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक इस साल अक्टूबर में गोवा में होने वाले ब्रिक्स समिट के रीजनल आउटरीच प्रोग्राम में पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाएगा। बलूचिस्तान पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान और पीओके सिंध में आजादी की मांग के बाद पाक के लिए ये बड़ा झटका साबित होने वाला है। बता दें कि भारत पूरी तैयारी में है कि वो आतंकवाद का मुद्दा अगले हफ्ते होने वाली G20 समिट में मजबूती से उठाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को वेनेजुएला में होने वाली नाम समिट और UNGA की बैठक में भी आतंकवाद पर घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डिप्टी सीएम ने रजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि पंजाब में अशांति के लिए आम आदमी पार्टी को विदेशों के कट्टरपंथियों से पैसे मिल रहे हैं। उन्होंने गृहमंत्री से आपकी फंडिंग की जांच की मांग की है। सुखबीर ने राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि आपको उत्तर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे चरमपंथी तत्वों से काफी मात्रा में धन मिल रहा है, इसलिए इसकी जांच की जानी चाहिए। सुखबीर बादल पंजाब में गृह मंत्रालय का कार्य भी संभाल रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि आपको मिल रहे पैसे की जांच से पता चल जाएगा कि आप धर्म ग्रंथों की बेअदबी और हिंसा के माध्यम से पंजाब में अशांति फैलाना चाहती है। दिल्ली में एक बार फिर उपराज्यपाल नजीब जंग और केजरीवाल सरकार के बीच तलवारें खिंच गई हैं। उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य सचिव तरुण सिंह और PWD सचिव सर्वज्ञ श्रीवास्तव का तबादला कर दिया है, जबकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दोनों अधिकारियों को न हटाने के लिए उपराज्यपाल से मुलाकात भी की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों अफसरों के बाद ट्वीट किया कि मनीष एलजी के पैरों में पड़े कि मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनाने वाले सेक्रेटरीज को 31 मार्च तक ना हटाए, पर वो नहीं माने। केजरीवाल ने पहले भी कहा था कि दोनों अफसरों को ना हटाया जाए क्योंकि इसे मोहल्ला क्लिनिक और श्रीवास्तव फ्लाईओवरों के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 31 अगस्त को 50 लाख के करीब केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में बढ़ा हुआ वेतन और 7 महीने का बकाया आएगा। सरकार ये भी कोशिश में है कि 50 लाख के करीब पेंशनर्स को भी नई व्यवस्था के हिसाब से बढ़ा हुआ पेंशन और बकाया 1 सितंबर तक मिल जाए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी से लागू मानी गई है। हर 10 साल बाद लागू होने वाली नई वेतन व्यवस्था में केंद्रीय कर्मियों के मूल वेतन मान में बढ़ोतरी 14.2% से 23.4% के बीच है। हालांकि अभी तमाम भत्ते पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही मिलते रहेंगे क्योंकि इनमें फेरबदल पर सुझाव देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिनकी सिफारिशें आने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला होगा। रियो ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली शटलर पीवी सिंधु के लिए एक और खुशखबरी है। सोमवार को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न जीतने के बाद देश के सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल CRPF सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने और उन्हें कमांडर की मानद रैंक देने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि CRPF ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को इस संबंध में एक आधिकारिक प्रस्ताव भी भेज दिया है और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद सिंधु को एक समारोह में इस रैंक में सम्मानित किया जाएगा और उन्हें ये बैच सौंपा जाएगा जहां उन्हें CRPF की वर्दी भी दी जाएगी। ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को प्रस्तावित अपनी हड़ताल रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय शामिल थे। ट्रेड यूनियनों ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार को देश भर में बैंक, सरकारी कार्यालय और कारखाने बंद रहेंगे। हालांकि रेलवे कर्मचारियों ने अभी ये संकेत नहीं दिए हैं कि वे इस हड़ताल में शामिल होंगे। इसका मतलब है कि रेल सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना नहीं है।
ट्रेड यूनियन ने पिछले साल सितंबर से सरकार पर अपनी 12 सूत्रीय मांगों को माने जाने का दबाव डाल दिया है। इनमें न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने की मांग भी शामिल है। वे सरकार के विनिवेश के हालिया निर्णय, खासकर फार्मा रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की शर्तों में ढील दिए जाने का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 6 सितंबर से यूपी के चुनावी महासमर में उतरेंगे। कांग्रेस ने राहुल की इस यूपी यात्रा को महायात्रा का नाम दिया है। तकरीबन एक महीने चलने वाली इस यात्रा में राहुल छोटी सभाएं और रोड शो करेंगे। कांग्रेस ने साफ किया कि राहुल कोई बड़ी रैली नहीं करेंगे और यात्रा के दौरान जनता से सीधा संवाद करेंगे। हालांकि राहुल की बहन प्रियंका गांधी कब यूपी के मैदान में उतरेंगी, इस बाबत कांग्रेस ने अब भी चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ने की रणनीति तैयार की है। सोनिया गांधी के वाराणसी रोड शो की सफलता के बाद अब राहुल गांधी भी यूपी में पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों में जोश भरने के लिए पार्टी के युवराज राहुल गांधी को मैदान एक जंग में उतारने का ऐलान कर दिया है। बिहार के छपरा के गंदामान में जमीन मामले में कोर्ट ने कल फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी प्रधान शिक्षिका मीना देवी को एक धारा में 7 साल और दूसरी धारा में 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने मीना देवी पर 3,75,000 का जुर्माना भी लगाया है। 16 जुलाई 2013 को हुई इस घटना में 23 बच्चों की मौत हुई थी और दर्जन भर बच्चे बीमार हो गए थे। सजाएं अलग अलग चलेंगी। मीना देवी को धारा 304 में 10 साल की सजा और 2.5 लाख रुपए जुर्माना, जबकि धारा 308 में 7 साल की सजा और 1.25 लाख रुपए जुर्माना सुनाया गया है। वही कोर्ट ने मीना देवी के पति अर्जुन राय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। जांच में पाया गया था कि रसोईये ने सब्जी बनाने के लिए जब तेल मांगा तो मीना देवी ने जो डब्बा उसे दिया था वह कीटनाशक दवा का डब्बा था। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने रविवार को भारत आए पर्यटकों को स्कर्ट न पहनने की सलाह दी है। साथ ही छोटे शहरों में रात के वक्त बाहर न घूमने को भी कहा है। मामले के तुल पकड़ने पर महेश शर्मा ने इस मामले में सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से हर किसी को ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे गुरुद्वारे में कोई जाता है तो सिर पर कपड़ा बांधकर जाता है, उस संदर्भ में ये बयान दिया गया था। बयान का कोई क्या कपड़ा पहने या नहीं पहने इससे कोई संबंध नहीं था। महेश शर्मा के बयान का राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ महिला संगठनों ने भी विरोध किया था। एक तरफ स्टार प्रचारक विशाल ददलानी का विवादित ट्वीट आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो दूसरी तरफ पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बार फिर खांसी और कफ से परेशान हैं। केजरीवाल अपना इलाज कराने बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं। केजरीवाल बेंगलुरु में नारायणा हेल्थ सिटी मजूमदार शाह मेडिकल सेंटर में खांसी का इलाज करवाने गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इलाज के वक्त लगने के हिसाब से केजरीवाल सोमवार देर रात या फिर मंगलवार की सुबह वापस लौटेंगे। इसी महीने केजरीवाल 10 दिनों की विपश्यना के लिए धर्मशाला भी गए थे। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनवरी 2016 में खांसी और ब्लड शुगर के इलाज के लिए बेंगलुरु के जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट गए थे, जहां वे 10 दिनों तक रहे। सिर्फ अगस्त महीने की बात करें तो केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत कम वक्त बिताया है। ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने कल द ऑस्ट्रेलियन अखबार की ओर से स्कॉर्पियन पनडुब्बी संबंधी डेटा को आगे प्रकाशित करने के खिलाफ अस्थायी आदेश जारी कर दिया। अदालत ने फ्रांसीसी कंपनी DCNS की ओर से दायर आवेदन पर यह आदेश जारी किया। अखबार का कहना है कि अदालत की ओर से अस्थायी आदेश दिया गया है। उसने पहले कहा था कि वह सोमवार को इस पनडुब्बी की सशस्त्र प्रणाली से जुड़े दस्तावेजों को प्रकाशित करेगा, हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। पेरिस में कंपनी के मुख्यालय ने एक बयान में कहा कि DCNS ने आवेदन देकर मांग की है कि द ऑस्ट्रेलियन उन दस्तावेजों को हटाए जो उसने अपनी वेबसाइट पर डाली है तथा अन्य दस्तावेजों का और कोई प्रकाशन रोके। भारत और अमेरिका ने सोमवार को एक ऐसे महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जो दोनों देशों को रक्षा क्षेत्र में साजो सामान संबंधी निकट साझेदार बनाएगा तथा इसके साथ ही दोनों सेनाएं मरम्मत एवं आपूर्ति के संदर्भ में एक दूसरे की संपदाओं और अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगी। साजो सामान संबंधी आदान प्रदान समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टिन कार्टर ने कहा कि ये समझौता व्यावहारिक संपर्क और आदान प्रदान के लिए
अवसर प्रदान करेगा। ये समझौता दोनों देशों की सेना के बीच साजो सामान संबंधी सहयोग, आपूर्ति एवं सेवा की व्यवस्था प्रदान करेगा। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।